उत्तम प्रभु ने उत्तम पकड़ी भाई बना दे हरे कृष्णा हरि बोल बलसी वृंदावन बिहारी लाल की हरे श्री लावा बहन की अरे जय जोर से बोलो जय बोले श्री लावा बहन की श्री लावा जगासुर को मारने वाले कृष्ण के नैया की बोले श्री गोपीनाथ की बोले श्री कृष्ण कुंड की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग अभी ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम लौह बहन है। क्या नाम है? लौह बहन है। ए बेल बजा बिना हमारे बांगाली बांगाली मायरा माँ देवी के दर्शन करते जाचो कोई दिखे जावे ना कोई दिखे कृष्ण दर्शन करो বলে মন্দির যেতে হবে না এখানে আসে কত পায়রা এদিকে আস হরে কৃষ্ণ পায়রা এদিকে বসে যাও হরে কৃষ্ণ এদিকে আস মা দেবী মন্দির যেতে নেই ঠাকুর কৃষ্ণ কাছে এস কৃষ্ণ কাছে আস ভাই হরে কৃষ্ণ ये बाबा गुफा बना रहे हैं जिसके जो गुफा में जाएगा ना और राक्षस उसको पकड़ कर गुफा में बंद कर देगा किसके पुत्रों ने ब्रह्मा जी के पुत्रों ने तपस्या की थी सनक नंदन सनक कुमार महाराज जी को हरे कृष्ण बैठ सब बैठ जा हरे कृष्ण बोले श्री लव बहन की कृष्ण के नहीं आकी ए बेल बजा ना अकेला ही बजा रहा खड़ा दोनों हाथ में बजा क्या जाने प्रभु अरे वो भीतर जावे ना वही दिखे अच्छा वो जनेऊ हरे कृष्ण अच्छा वो जनेऊ ये रोहित नंदन बोलो मंदिर में जाने का जरूरत नहीं भारी के साथ बैठो और माँ देवी का मंदिर हरे कृष्णा हरि बोल ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर कर बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग अभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये वन का नाम है लौह वन। यहाँ पर एक लौह जंघासुर रहता था जिसने शंकर जी की उपासना की और जिसका जंघा एकदम लोहे जैसे जंघा था, उसको मारना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए शंकर जी की वरदान से वो बड़ा बलवान था, उसको कोई नहीं मार सकते हैं। लेकिन जिसको कोई नहीं मार सकते हैं उसको कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? उसको कृष्ण ही मार सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने उसको वहां पर देखना, वहां पर एक जंघा का मूर्ति जैसे बना हुआ कृष्ण उनके जंघे को उन्होंने तोड़ दिया था। इसलिए ये स्थान कहते ये लौह बन है, इसका नाम लौह बन है। कहते ये कृष्ण का ये लीला स्थली था। कृष्ण यहीं पर अपना सखाओं को साथ में गैया चराते चराते यहीं पर आकर कृष्ण गैया चराया करते थे और यहीं पर पास में यमुना नदी, पास में
ये यमुना नदी यहीं पर बहती थी और ब्रज गोपियां कितना चल सकी जहां चलिए जहां बसत ब्रजराज गो रस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काम। इसलिए ब्रज गोपियां दूध दही मक्खन को बेचने के लिए ये गोपियां आती थी। तो गुरुदेव कहते थे भैया ये दूध दही को कौन बेचते हैं? बोले साधारण घर के सब माताएं थे बेचती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी ये ब्रज गोपियां कौन है? कहते नंद बाबा का तो 9 लाख गैया है, कहते वृषभानंद महाराज का 11 लाख गैया है। कितना गैया है? 11 लाख गैया है। इसलिए उनका नाम राधा रानी, राधा रानी। इसलिए राधा रानी कौन है? कहते सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व लक्ष्मीमयी, सारे लक्ष्मिया जिनसे सारे लक्ष्मिया प्रकट होती हैं। इसलिए ये सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधा रानी। तब जब ये सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधा रानी और ये ब्रज धाम साधारण भूमि नहीं, कहते ब्रज भूमि में कहते लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। कहते जहां पर एक लक्ष्मी नहीं, जहां पर हजार लक्ष्मियां क्या करती हैं? कृष्ण की चरण की सेवा करती हैं। इसलिए ये गोपी एक एक लक्ष्मी है, ये गोपियां एक एक लक्ष्मी ये गोपियां हैं। पर जो सर्व लक्ष्मीमयी राधा रानी, फिर उनको ये दूध दही बेचने का क्या जरूरत है इनको? बोले दूध दही बेचने नहीं, दूध दही बेचना केवल एक बहाना था, लेकिन तत्वतः ये सब के सब श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर आती थी। यही पर ब्रज गोपियां आकर के जैसे उनको यमुना पार करना है, हैं? बनमहाराज बड़े रसली और बनमहाराज बड़े अच्छे तरह से बताएंगे कैसे कैसे कृष्ण एक टूटे फूटे नाव को लेकर कृष्ण दूसरे तरफ में कृष्ण आकर वहीं पर बैठ जाते थे। जब ब्रज गोपियां दूध दही लेकर आकर बोला करते भैया कोई है जो कि हमें ये यमुना नदी पार करा देगा? इतने में कृष्ण एक टूटे फूटे नैया को लेकर के कृष्ण यहीं पर आ जाते थे। बोले मैं तुम लोगों को ये यमुना मैं पार करा दूंगा, हैं? इसलिए इसमें बैठ जाओ। अभी ब्रज गोपियां बैठ जाती है, हैं? नाव में बैठ गई और बैठ करके कृष्ण ले जाते हैं कहां पर? बीच यमुना में ले जाते हैं और बीच यमुना में लेकर के वो बच्चा जाकर वहां खड़े हो जाओ। इसलिए बीच यमुना में जाकर के कृष्ण वो नाव को बड़े जोर से कृष्ण हिलाते हैं, ये नाव को जोर से नाव को हिलाते हैं। जब हिलाते हैं इतने में कृष्ण कहते देखो मेरी जो नाव है ना ये बड़ा पुराना है और ये टूटी फूटी ये नाव है और मेरी जो नाव है ना केवल एक मण ही मेरा नाव ढो सकता है। कितना मण ढो सकता है? एक मण। कहते एक मण ही, हमारे कोई यहाँ ब्रह्मचारी नहीं है वहां पर भाई अंदर चले कि वहां घंटे के पास खड़े हो जाओ। इसलिए बोले मेरा नाव केवल एक मण ही मेरा नाव ढो सकता है। लेकिन ललिता वो बड़ी चतुर है, वो सारी चीज को समझती है। ललिता कहती है तुमने ये बात को पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारा नाव एक मण ही ढो सकता है, मैं तो अकेली 3.5 मण की हूँ और ये जो विशाखाना है तो 4 मण की है और ये चप्पल लता को तो कहते 2.5 मण की और ये जो गोपी है भी 2 मण की है। ये सबके सब है, तुमने पहले हाँ ये सबके सब मोटी मोटी तो है। इसलिए अभी कलीयुग की थोड़ी नाटी है, कलीयुग का समय तो बड़े लंबी लंबी होती थी। इसलिए ये कहते तुम पहले क्यों नहीं बता दिया तुम्हारा नाव एक मण ही ढो सकता है? लेकिन गोपियां तो बड़े चतुर है ना। इतने में गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर यद्यपि हमको देखने के लिए हम तो इतने लगते हैं, हैं? इतने गोपियां, लेकिन हमारा जो मन है ना वो एक ही मन है। कृष्णा ये बताना चाह रहे थे देखो तभी ये भवसागर से मैं तुम लोगों को पार करा सकता हूँ। कैसे पार कराओगे? कहते देखो अगर एक मन से अगर मुझे भजन करोगे तभी मैं तुमको संसार से पार करा सकता हूँ। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु माम एससी सत्यम प्रतिजानी प्रियस्मि। मन किसको देनी चाहिए? मन केवल मुझे देनी चाहिए, मन और किसको नहीं देनी चाहिए। इसलिए मत भक्त भव
भक्त बनना तो किसके भक्त बननी चाहिए, बोले मेरा ही भक्त बनो। पूजा करना तो किसको पूजा करनी चाहिए, बोले मेरी पूजा करो। अब प्रणाम करना तो किसको करनी चाहिए, बोले मेरी प्रणाम करो। तभी क्या होगा, बोले माम एससी, तभी तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को देखो, ध्यान देकर सुनो, चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न है, बोले प्रभु आपको ये संन्यास लेने का क्या जरूरत था, आपका पत्नी इतने प्यारी इतने सुंदरी, आप स्नान करके आने से पहले सारे काम काज कर कर प्रस्तुत कर देती है पूजा के लिए, अब पूजा करते करते रसोई का जो रोटी सब्जी सब एकदम एकदम तैयारी बना देती है, हर काम को पहले कर देती है। और माँ सच्ची माँ जैसे इतनी अच्छी माँ दुनिया में कहीं मिलेगा, पर तुमको ये संन्यास लेने का क्या जरूरत था, क्या घर में रहकर भजन नहीं हो सकता था। महाप्रभु कहते देखो, जब तक कोई संन्यास नहीं लेगा ना, तब तक ये संसार से उद्धार हो ही नहीं सकता है। एक दिन सबको संन्यासी लेना ही है, बाहर से हो नहीं तो भीतर से हो, एक दिन सबको संन्यासी लेना पड़ेगा। संन्यासी मतलब क्या है, कहते सम्यक रूप में संसार को नाश करके काय मन और वाक्य ये तीनों को एक साथ में क्या करना पड़ेगा, दंडित करके, महाराज का त्रिदंड है ना, मतलब ये काय मन वाक्य को दंडित करके क्या करना पड़ेगा, एक दिन संपूर्ण रूप में मन प्राण चित्तों को किसको देना पड़ेगा, कृष्ण को देना पड़ेगा। लेकिन संसार में शादी हो तो आधा तो पत्नी ही ले लिया जितना प्रेम था, फिर तो एक दो बच्चे हो गया ना, फिर तो जो प्रेम है सबको से बट गया, सब बट गया तो बताओ तुम फिर भगवान को क्या दोगे, बताओ फिर भगवान तुम्हारे पास में है क्या चीज भगवान को देने के लिए, सब तो दिन भर कैसे पैसा रोजगार करना, कैसे बीवी बच्चे को पालन करना, दिन भर उसी में ही गया सबके सबके समय में, तो भजन तब कितना समय भगवान को दोगे। एक दिन महाप्रभु को देखो एकदम कृष्ण प्रेम में, दिन नहीं रात नहीं, कहां पड़े कहां क्या कर रहे कोई, इसलिए सबको एक दिन संन्यासी लेना ही पड़ेगा एक दिन है। इसलिए कृष्ण कहते देखो, गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर, यद्यपि हमको देखने के लिए हम बहुत है लेकिन हम बहुत नहीं, हमारा जो मन है ना, जिसको कृष्ण उद्धव जी को कहते मन मनस मनस का, उनका मन और उन्होंने किसी को नहीं दिया, ये गोपियां केवल मुझे ही अपना मन प्राण चित्त कृष्ण केवल गोपी हमें ही प्रदान की है। कहते हैं श्याम सुंदर, हमारा मन सबका मिलकर के एक ही है, हमारी मन में केवल तू ही बैठे हो। फिर तो कृष्ण कहते ठीक है, फिर तो मैं तुम लोगों को मैं पार करा दूंगा। इसलिए कृष्ण है, जब कृष्ण उनको ले जाते हैं, कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, नाव को बड़ी जोर से हिलाते हैं, बोले देखो तुम लोग इतने भोजन हो, मेरा टूटा फूटा नाव है, तुम लोग इतने भोजन हो, देखो तुम्हारे पास में जो कलसी हड्डी इसमें जो दूध दही है ना, बहुत ज्यादा भोजन हो गया है, इसलिए इसको फेंको। गोपियां तो डर के मारे फेंक देती है सबके सब, बोले अभी भी बहुत भोजन है, बोले क्यों, बोले तुम लोग जो इतना अलंकार पहन रखे हो, पहले ना 5 किलो 10-10 किलो का अलंकार पहनते, पूरा शरीर को सोने में श्रृंगार करते थे पहले हैं सबके सब, इसलिए ये भी बड़ा भोजन, उसको फेंको, उसको भी फेंक दिए। और पहले जो साड़ी पहना करते थे ना, अभी का जैसे साड़ी नहीं, अभी का जैसे नहीं, उसमें सोने चांदी की एम्ब्रॉयडरी का काम होता था, साड़ी भी कम से कम 5-10 किलो का साड़ी हुआ करता था, जरीदार उसमें साड़ी होती थी, बोले देखो तुम्हारी जो साड़ी है ना, ये भी बहुत भोजन है, इसका भी बहुत भोजन है, इसलिए भैया इसको भी फेंकना पड़ेगा। अभी गोपियां तो शर्मा जाती है। इतने में कृष्ण क्या करता है, जो नाव को बड़ी जोर से कृष्ण डोलाया कर हिलाया करते थे, जब हिलाते थे इतने में श्रीमती राधा रानी क्या करती थी, राधा रानी डरते हुए श्री श्याम सुंदर को पकड़ लेती थी। जब श्याम सुंदर को पकड़ लेती थी, कहते हैं कृष्ण का इच्छा क्या है, राधा रानी कब मेरे को आलिंगन करे। जब उनको पकड़ लेती थी, भारत गोपियां प्रसन्न हो गई। गोपियों का भी यही भावना है, कब श्री जुगल मिलन, कब हमारी जुगल मिलन हो। अरे गोपियां वही पर बीच में कहते श्री वृंदा देवी, जोग माया वृंदा देवी बड़ी सुंदर टापू को प्रस्तुत कर देती थी, और वृंदा देवी बड़ी सुंदर कुंज बना देती थी, अद्भुत कुंज श्री वृंदा देवी बनाया करते थे, अद्भुत कुंज। ऐसे बताए किसी कुंज का रंग नील, किसका सफेद, किसका लाल रंग की कुंज, कोई कुंज पत्ते से, कोई कुंज केवल फूल से कुंज बना देती थी। और राधा कृष्ण दोनों
कुंज में प्रवेश करते थे और ब्रज गोपियां उनको बैठा करके बोले जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना आरती कराए ललिता दि सखी गाना मदन मोहन रूप त्रिभक सुंदर पीताम्बर सिखे बोझ बड़े सुंदर आरती करते थे। इसलिए यही पर श्याम सुंदर आकर के नौ पार करते थे। एक कवि हुए हैं जिनका नाम शिवानंद हुए हैं। वो शिवानंद उस कवि में कहते हैं बोले भैया कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। कद जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वीरनम। ब्रह्मा जी कहते कृष्ण कौन है? बोले जिनके केवल एक इशारा होने पर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। जिनकी केवल एक इशारा पर ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद कृष्ण। जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिनकी चरण की पूजा करते ये कृष्ण है। लेकिन कृष्ण होकर कर रहे हैं क्या? कृष्ण कहते हे राधे मैं कहां परम परम प्राप्त पर तत्व हूं लेकिन केवल तुम्हारी प्रेम रस को केवल आस्वादन करने के लिए मैं क्या बन जाता हूं? नाविक बन जाता हूं। हमारे भारत में नाव कौन चलाता है बताओ? कौन नाव चलाता है? केवड़ चलाता है। ये छोटे जाति के होते हैं। हाँ कभी कभी कृष्ण इनकी प्रेम को पाने के लिए कृष्ण कभी कभी कृष्ण चूड़ी बेचने वाली रूप धारण करते हैं। मैं चूड़ी बनाता हूँ। कभी कभी कृष्ण कभी मनिहारी रूप धारण करती हैं। कभी कभी कृष्ण कहते देखो मैं जिनकी चरणों को मैसेज कर दू ना प्यार दबा दू उसका मन के सारे दुख खत्म हो जाएगा। ये सब काम कौन करती है? छोटे जाति के लोग एकदम छोटे लोयर जाति के लोग करते हैं हमारा देश में। कृष्ण कहते हे राधे हे ब्रज गोपियां केवल तुम्हारी प्रेम को आस्वादन करने के लिए कहा मैं परात पर परम ब्रह्म हूं लेकिन तुम्हारी प्रेम में बसीभूत होकर ये सारे काम भी करता हूं। क्यों? कहते के बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार के बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। तो प्रेम का जो नदी है ना वो उल्टी हर समय ये उल्टी बहती है इसलिए वो स्थान ये स्थान है। कभी यहाँ पर आसपास में कुछ गांव है पास में एक गांव है जिसका नाम आयोरी आवरी गांव है। बोले आवरी गांव मतलब क्या है? बोले जिस समय कोई कोई कहते हैं ना जैसे अयोध्या में भगवान राम संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए ठाकुर जी सबको लेकर गए रामायण में पूरा खुला वर्णन। लेकिन कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं बोले भैया कृष्ण जब ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा मथुरा से द्वारका गए फिर क्या ये ब्रजवासी जिंदगी भर रोए? जब उद्धव जी आए उन्होंने क्या देखा? संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह में रो रहा है संपूर्ण ब्रज। कैया घास नहीं खाते कोयले कुहुकती नहीं मयूर केका नहीं करते संपूर्ण ब्रज कृष्ण विरह में डूबा हुआ मैया जसोदा तो बेहोश होकर पड़ी हुई। बोले जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी हैं। इसलिए सारे ब्रजवासी खाना पीना बंद ब्रज गोपियां विरह में पड़ी उद्धव क्यारी में पड़ी हुई राधा रानी को तो हैं एकदम कमल पुष्पों को में लेट हुई शरीर में अगुर कपूर चंदन को लेप देते हैं लेकिन ऐसे राधा रानी विरह में दुखी मिनट में चुर 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 हो जाता है। यदि ये सब चीज उद्धव जी ब्रज में आकर के सब चीज को देखे। अभी कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं फिर क्या भैया ब्रजवासी जिंदगी में ऐसे ही रोते रहे? ब्रजवासी क्या जिंदगी में ऐसे ही रोते रह गए? बोले नहीं कृष्ण कृष्ण यहाँ पर एक दतिया स्थान है। कृष्ण यहाँ पर दंत वक्र को बध किया दंत वक्र को बध करके कृष्ण पुनः कहाँ पर आते हैं? कृष्ण ब्रज में आते हैं। ये श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी वर्णना करते हैं। फिर उन्होंने आते हैं ब्रज में कृष्ण आते हैं। कृष्ण ब्रज में आने पर इसलिए जितने ब्रजवासी कृष्ण कितना साल को बाद में कृष्ण आए अभी इसको देख करके ब्रजवासी इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए बोले आये और कृष्ण बड़े दिन बाद में आए। बोले कृष्ण आये और कृष्ण आए हैं कृष्ण आये और कृष्ण आए हैं इसलिए वो गाँव का नाम है आयोरी गाँव है। फिर कृष्ण क्या किया? फिर कृष्ण ब्रज में आए
ब्रज में आकर के सारे ब्रजवासियों को उन्होंने जैसे भगवान ने राम है, जैसे भगवान ने राम संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान राम अपना सांकेत धाम में चले गए, उसी तरह कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण कहां पर गए, अपना नित्य धाम में कृष्ण चले गए, अपना गोलोक वृंदावन में कृष्ण चले गए। इसलिए ब्रजनाभ जिस समय पुनः राज्योत्त किए ब्रजनाभ ने, उसी समय आकर के देखा वहां पर कोई तो ब्रजवासी तो है ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी कीड़े मकड़े भी यहाँ पर है नहीं, कोई नहीं थे यहाँ पर, पूरा ब्रज खाली। क्यों? पूरा धाम समेत कृष्ण गुल्म लता किकट जितने यहाँ के सब पशु की सबके सब कृष्ण लीला की अनुकूल रूप में कृष्ण की सेवा करने वाले। इसलिए देखो एक समय गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, बोले एक दिन राधा रानी बहुत मान किए, इतने राधा रानी मान की कृष्ण मनाते 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 कृष्ण थक गए, किसी तरह से राधा रानी का मान नहीं उतर रहे। इतने में राधा रानी एकदम कुंजो छोड़कर राधा रानी चली गई, जब चली गई कृष्ण बड़े दुखी हो गए, जब दुखी हो गए राधा रानी थोड़ी दूर गई, इतने में एक काला सर्प सर उठा करके खड़ी हो गया, जब खड़े हो गए इतने में राधा रानी जब दर्शन की ना उस काला सर्प को देखते ही राधा रानी जो मान करके जा रही थी वो सारे मान उतर गया, डर गई राधा रानी, और राधा रानी दौड़ते हुए आई और कृष्ण की गोद में सो गई, कृष्ण की गोद में लेट गई। तब गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं भैया जो काला सांप कोई साधारण था, वो काला सांप कोई साधारण था, जो काम को कृष्ण नहीं कर सके वो काम वो किसने कर दिया, वो काला सांप ने वो काम कर दिया। मतलब ब्रज के जितने गुल्म लता जितने कीड़े मकोड़े, ये श्री हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, कहते ये कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण लीला की अनुकूल में कृष्ण की सेवा में मदद करते हैं। कदी यहाँ पर दो हैं घुटे कंडा बिनने वाली नंदी और बंदी, कदी ये दो जो कंडा बिनती है ना हैं, जो नंद बाबा के घर में हम जो कंडा बिनते नंदी और बंदी, यहाँ पर दो कंडा बिनने वाले भी नंद बाबा का थे। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। इसलिए कहते हैं यहाँ पर दो ग्वाल इन्हें दो कंडे बिनने वाले थे, इसलिए उनका नाम नंदी और बंदी नाम से, इनके नाम नंदी और बंदी नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए कंडा बिनते थे। देखो एक समय कोई ब्रज गोपी थी, इतने में कन्हैया को बोले देख कन्हैया अगर तू जैसे कृष्ण को तो दर्शन करते हैं, कृष्ण दर्शन करते हैं, लेकिन जब कृष्ण दर्शन करते एक बार तो कृष्ण दर्शन होता है फिर कृष्ण दर्शन नहीं होता। वो गोपी ने एक बहाना बनाया, बोले देख कन्हैया एक काम करोगे, बोले क्या, बोले अगर ये कंडे ये गोबर का जो टोकरी अगर मेरे सर पर दोगे ना तेरे को एक मक्खन की मैं डेला दूंगी, बोले डेला दोगे मक्खन की डेला, एक बार अगर तुम्हारी सर पर रखे तो मक्खन की डेला दोगे, बोले हाँ क्यों। अब देखना किसको सर के ऊपर में कोई ये होगा ना गोबर होगा, जब किसी सर के ऊपर रखोगे कैसे मुंह को साथ में मुंह लगता है टोकरा, जब टोकरा उठाओगे देखना मुंह को साथ में मुंह लग जाती है। इसलिए गोपी सोच रही है मैं चाहता हूँ कृष्ण को जो मुंह को साथ में मुंह लगाकर कृष्ण की प्रेम भर से कृष्ण को मैं दर्शन करूं, कृष्ण को मैं दर्शन करूं। ये उसने बहाना बनाया, कृष्ण ने कहा देखो मैं कितने टोकरे तुम्हें सर के ऊपर रखा उसको पता कैसे चलेगा, बोले चिंता मत करो जितना टोकरे मेरे सर के ऊपर रखो ना एक गोबर का एक बूंद लेकर तुम्हारी हाँ सर में टीका ऐसे ऐसे लगा दूंगी, फिर पता चले जाएगा तुमने कितना मजदूरी किया, कितना मजदूरी किया, उसी मजदूरी के अनुरूप तेरे को मैं मक्खन के डेला दूंगी। इतने में वो गोपी बहाना बना करके कृष्ण क्या करते है हाँ? उसको टोकरी को उसको सर पर रखते हैं, सर पर रखने पर एकदम मुंह को पास है मुंह लगने पर कृष्ण की रूप को देख करके हृदय उसकी प्रेम में गदगद हो जाता है, कृष्ण दर्शन मिला, कृष्ण दर्शन मिला। और जितना टोकरा उठा उतना टोकरा उन्होंने लगाया, जब लगाया लगा करके इतने में लगा करके अभी कृष्ण घर में आए, जब घर में आए मैया यशोदा ने देखा बोले लाला ये क्या है, ये सब गोबर का टोपा क्यों लगा हुआ है, ये सब गोबर की सब बूंद क्यों लगा हुआ। इतने में मैया यशोदा बोले गोबर क्यों लगा कर रखे, इतने में मैया पानी में जब कृष्ण को मुंह को धोया बोले मैया तुमने सब बिगाड़ दिया,
बोले क्यों? बोले मैंने कितना मजदूरी किया, हाँ मैंने कितने मजदूरी किया, ये क्या है? हिसाब था, ये हिसाब किताब था, ये सब हिसाब मेरे हिसाब, तुमने सबके सब हिसाब मेरी गड़बड़ कर दिया। हाँ अभी इतने मेरे को मक्खन की डेला मिलने था तुम्हें, इसलिए कहते ब्रज की जो गोपियां है ना ये साधारण नहीं, इसलिए नंदी और बंदी इनको दोनों का नाम पर गाँव का नाम है नंदी और बंदी। और यहीं पर यहाँ यहीं पर कृष्ण जब यहीं पर जब कुरुक्षेत्र गए थे, कुरुक्षेत्र से जब कृष्ण वापस आए यहीं पर नंद बाबा की एक बहुत बड़ा एक मित्र था, जहां पर श्री नंद बाबा उसी गांव में कुछ दिन वहां पर रुके थे। ये गांव का नाम भी क्या नाम बाबा, क्या नाम? लोहबन। लोहबन नहीं, और एक गांव है आयो, और ये पास में एक गांव है, वो बहुत बड़े जमींदार था है, जिसको नंद बाबा को उन्होंने स्वागत किया था और उनको घर में, इसलिए ये जो स्थान है ये आस पास में ब्रज में ऐसे कोई स्थान नहीं, इसलिए बज्रनाभ ने कृष्ण जहां जहां पर जैसे जैसे लीला की, लीला के अनुरूप बज्रनाभ ने सारे गांव का नाम ऐसे रखा। ऐसे यहाँ पर गांव नहीं, ऐसे नहीं, अभी भी ब्रज में 365 गांव हैं, कृष्ण लीला के अनुरूप सारे गांव हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरु जी की अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में ये सब स्थान में हम आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। देखो आप लोग ये मत समझना आपको पास में पैसा था, पैसा के बल पर आ गए, ये पैसा के बल पर आप कोई नहीं आए हो। जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया से आए, कोई ब्राजील से आए, कोई रशिया से आए और अलग अलग जगह से आए हो, ये मत समझो पैसा आपको ले आए, नहीं, आप लोग तो साधारण व्यक्ति। देखना तुम्हारे देश में अरब खरबपति पड़े हुए होंगे, अरब खरबपति पड़े हुए होंगे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आप लोग क्यों आए हो, कारण क्या? बोले कारण है आप लोगों के ऊपर में राधा रानी की बड़ी कृपा है। जिसको ऊपर में राधा रानी की कृपा होना वही व्यक्ति ही ब्रज में आ सकते हैं। पैसा वाला तो अपना रोज हाँ होटल में जाएगा और घूमने जाएगा, गंदी गंदी जगह में जाएगा, लेकिन जिसको ऊपर में राधा रानी की कृपा है वही केवल ये ब्रज में आ सकते हैं। इसलिए वृंदावन में आओ ना, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, जोर से बोला और जोर से बोला। यहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप लोग यहाँ का ढोल लगाना और भक्ति मांगो राधा रानी कृष्ण की, जैसे हमें भक्ति हो सके। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री गोपीनाथ की। महाराज जी आप बोलो, कुछ बोलो महाराज जी, मुखारविंद से। हमारा गुरु विष्णुगणेर अनुगत्य ब्रजधाम परिक्रमा करते करते जेखाने से उपस्थित हुए छी।